हेलो गाइस, मेरा नाम है सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A13 या A13 स्मार्टफोन बोल सकते हो। और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नोच के अराउंड यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट, एज लाइटिंग का फीचर, AOD का फीचर और वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी डे टू डे में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A13 स्मार्टफोन ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहेगा, आपको सभी फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा जो कि आपके डेली टास्क में मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा और वीडियो में वैल्यू लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे फोन के अंदर ऐप ड्रॉवर एक्टिवेट है। यहाँ से स्वाइप करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐप ड्रॉवर ओपन हो जाता है। तो इसको आप अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, सेटिंग में जाना है और होम स्क्रीन लेआउट के अंदर जाएंगे तो होम स्क्रीन ओनली पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका मतलब जो ऐप ड्रॉवर है ना वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। स्वाइप करने पर आपका डायरेक्ट ही सर्च बार खुलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐप ड्रॉवर एक्टिवेट करना है तो ऐप ड्रॉवर अपने फोन के अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वापस जाइए और इसको अप्लाई कीजिए और आपके फोन में यहाँ पे वापस ऐप ड्रॉवर एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर भी यहां पे आपको देखने को मिलता है, प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सेटिंग में जाइए और यहां पे देखने को मिलेगा होम स्क्रीन ग्रिड। मतलब यहां पे आप देखते हैं एक रो के अंदर आपको 5 एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पे देखते हैं आप एक रो के अंदर 5 एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकता हूँ, 5x6 भी कर सकता हूँ। तो जो भी आपको रखना है अपने हिसाब से इसका ग्रिड वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसके रो एंड कॉलम मतलब उसके मतलब ये चीज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे और भी जगह चाहिए, मतलब 5x5 चाहिए, 5x6 चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की है तो आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा, तो इसमें हाइड ऐप वाला फीचर भी देखने को मिलता है। बिना थर्ड पार्टी ऐप के यहाँ पे किसी भी ऐप को आप हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हाइड करना है, यहाँ पर डन कीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी, यहाँ पे आपको शो नहीं करेगी। अगर वापस आपको इसको अनहाइड करना है तो सेटिंग में जाइए और हाइड ऐप में जाके इसको वापस से रिमूव कर दीजिए। जैसे कि यहाँ से टिक हटाता हूँ और डन करता हूँ तो ये एप्लीकेशन मेरी वापस से अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर भी आपको नीचे की ओर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्वाइप डाउन टू नोटिफिकेशन पैनल। जी हाँ, अब ये फीचर क्या आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं स्वाइप करता हूँ तो नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है डायरेक्ट। और यहाँ पे देखते इसको सेटिंग में जाके वापस हम इसको ऑफ कर देते हैं इस फीचर को। जैसे कि मैंने इसको ऑफ कर दिया और यहां से स्वाइप करता हूं तो डायरेक्ट मेरा यहां पे ऐप ड्रॉवर ओपन हो जाएगा और यहां से भी आपका ऐप ड्रॉवर ओपन होएगा। अगले फीचर की बात करें तो वो काफ़ी तो कमाल का फीचर है। वॉलपेपर तो सभी में होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले वॉलपेपर सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखते हैं कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस कलर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं जो भी देखते हैं आपका डायलर है, आपका नोटिफिकेशन पैनल है या आपकी सेटिंग है, उसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कलरफुल टाइप कर सकते हैं, है ना। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है जो कि आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जो भी जैसे कि ये रखना है या ये रखना है या ये रखना है या ये रखना है, तो जो भी आपको रखना है उस हिसाब से रख दीजिए अपने सेटिंग। तीनों चीजों आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का यहां पे सर्विस देखने को मिलती है। लॉक स्क्रीन पे आपको डायनेमिक लॉक स्क्रीन चाहिए या ग्लेंस फॉर सैमसंग वाला जो चाहिए, ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, और यहां पे ग्लोबल, ये काफी सारे हैं, और नन पे कर देंगे तो आपका ये डीएक्टिवेट वगैरह हो जाएगा। तो जो भी आपको रखना है यहां से रख सकते हैं, तो काफी अच्छे अच्छे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। और वॉलपेपर वगैरह की बात करें तो यहां से आप यहां शो वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि बाकी सारे फोनों में भी होता है। अगले फीचर की बात की जाए तो वो आपको देखने को मिलता है इसके नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन को स्वाइप करता हूं, यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखने को मिलेगा आपको क्यूक पैनल लेआउट का ऑप्शन। जी हां, इस पे आप क्लिक करके ब्राइटनेस कंट्रोल पे जाके शो ऑलवेज कर देंगे। अब ये क्या है, जैसे कि आप देखते हैं मैंने ब्राइटनेस लेवल को यहां पे देखते हैं यहां पे कर दिया शो ऑलवेज, तो यहां पे नोटिफिकेशन को मैंने पूरा ओपन किया तब भी ब्राइटनेस लेवल यहां पे शो करता है। मैंने 50% ओपन किया तो भी ये ब्राइटनेस लेवल यहां से मैं एडजस्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसी को यहां पे देखते 3 डॉट पे जाके क्यूक पैनल लेआउट में जाके इसको मैं कर देता हूं यहां पे और डन कर देता हूं तो यहां पे 50% पे ये मेरे को शो नहीं करेगा। तो यहां पे जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की है तो वो आपको देखने मिलता है स्टेटस बार के अंदर। 3 डॉट में जाइए, यहाँ से शो नोटिफिकेशन बैटरी परसेंटेज कर देंगे तो यहाँ पे बैटरी परसेंट आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की है तो वो देखने को मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला फीचर। जी हाँ, इसको ऑन कर देंगे बाई चांस ये बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, यहाँ से क्लियर वगैरह कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद कि आपने ये स्वाइप कर दी, यहाँ से ये नोटिफिकेशन आपको चेक करना है, मतलब रिमूव हो जाता है ना कई सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ से वो आपको शो करती है सारी नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो ये आपको देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं शो करने लग चुका है जो भी मैंने ऐप से रिमूव किया था। तो ये आपके काफ़ी यूजफुल फीचर हो सकता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहाँ पे आपको देखते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना तो बबल आपका एक बन जाएगा छोटा सा कि एक नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो इस प्रकार का कोई बबल चाहिए या नहीं चाहिए तो वो इसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन रिमाइंडर, इसको ऑन कर देंगे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, जब तक आप उसको चेक नहीं करेंगे, जब तक ये हर 3-4 मिनट में आपको नोटिफाई करता रहेगा भाई इस नोटिफिकेशन को चेक कर
लो, आपने चेक नहीं किया, तो ये आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन रिमाइंडर। अगला फीचर की बात किया तो वो भी आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर स्वाइप करेंगे यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी देखने को मिलेगा। अगर ये फीचर आपको ना देखने को मिले, यहाँ पे प्लस वाले साइन पे जाके इसको ऐड कर लेना। यहाँ से ड्रैग करके आपको सारे फीचर यहाँ पे ऐड करने होते हैं, तो यहाँ से इसको डॉल्बी एटमॉस को ऐड कर लेंगे अपने फोन के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये फीचर क्या है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं इक्वलाइजर में जाता हूँ, तो यहाँ पे काफी सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने मिलते हैं जब ईयरफोन वगैरह लगाएंगे, जब आई थिंक आपको पता लगेगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो आपको देखने को मिलता है, ऐसे स्वाइप करता हूँ और यहाँ पे देखने को मिलता है एक फोकस मोड वाला फीचर। जी हाँ, इस फोकस मोड पे क्लिक करता हूँ और बाय चांस इसको ऑन मत कर लेना, अगर आपको जरूरत हो जब भी इसको ऑन करना। इसमें आप फोकस मोड को ऑन कर देते हो तो जितने टाइम के लिए आप इस फोकस मोड को यूज करोगे उतने टाइम तक उस मतलब ये फोकस मोड ऑन हो जाएगा और उतने टाइम तक अपने फोन को यूज नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपको स्टडी वगैरह करना है, मैं चाहता हूँ कि इस फोन को यूज ना कर पाऊँ चाहकर भी, तो उतने टाइम के लिए अपने फोन को यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए बोलते हैं इसको फोकस मोड वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो आपको देखने मिलता है सेटिंग में और यहाँ पे डिस्प्ले वाले सेक्शन पे जाते हैं तो इस फोन के अंदर आपको डार्क मोड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जी हाँ, देखते हैं डार्क मोड ऑन हो चुका है, सारा कुछ ब्लैक ब्लैक हो चुका है और यहीं पे मैं देखते हैं डिस्प्ले के अंदर जाके यहाँ पे मोर डार्क मोड सेटिंग में जाके इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ कितने टाइम से कितने टाइम तक मेरा डार्क मोड ऑन होना चाहिए। जैसे कि रात में काफी लोग इस डार्क मोड का यूज करते हैं तो रात वाला टाइम भी सेट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर, इसमें आई मोड का फीचर भी देखने को मिलता है। आप स्टडी वगैरह करते हैं, आपकी आंखों में पानी आता है, कम इफेक्ट पड़े आपके आंखों पे, तो इस आई मोड का भी यूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर हो सकता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है नेविगेशन बार वाला फीचर। जी हाँ, अब ये फीचर क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पे देखते हैं बैक बटन इधर लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, प्लस इस स्वाइप वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके फोन के अंदर नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा। देखते हैं नेविगेशन बार ओपन हो चुका है, अब यहाँ से मेरे को बैक करना पड़ेगा अपने फोन को, जैसे कि इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ से होम स्क्रीन पर आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लैगी हो जाता है यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ से एक ऐप से दूसरे ऐप में भी स्विच हो सकता हूँ, है ना, काफी ज्यादा कमाल का फीचर जो कि है नेविगेशन बार वाला फीचर। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बटन वगैरह पे वापस से सेट कर लेता हूँ, अगर आपको यूज करना है तो ये यूज कर सकते हैं। फीचर की बात की है तो वो आपको देखने मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। इसके अंदर जाएंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, सेपरेट ऐप साउंड का एक फीचर देखने मिलता है, ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। इसको ऑन कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए, मान लीजिए आपको गूगल जो भी ऐप ऐप वगैरह ऐड करनी है ऐड वगैरह कर सकते हैं, और मतलब हर एक ऐप का आप एक सेपरेट साउंड यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर सकते हैं, तो जो आप चेक करना तो कर सकते हैं, जो आपको देखने को मिलता है सेपरेट ऐप साउंड वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात की है तो हम चलते हैं बैक, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसके लॉक स्क्रीन के अंदर। जी हाँ, लॉक स्क्रीन के अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखते हैं क्लॉक स्टाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। क्लॉक स्टाइल में जाने के बाद थोड़ा सा लोड लेता है, जो भी आपको क्लॉक स्टाइल पसंद आती है वो आप इसमें रख सकते हैं। कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो वो भी इसके अंदर आप आसानी से कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। इसका कस्टमाइज कलर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो भी आपको कस्टमाइज करना है तो वो इसके अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात की है तो वो आपको देखने मिलता है एक विजिट वाला फीचर। जी हाँ, विजिट वाला पे क्लिक करके आपके लॉक स्क्रीन पे कौन कौन से विजिट होने चाहिए वो आपको ऐड करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर भी आपको देखने मिलता है नीचे की साइड नोटिफिकेशन। जी हाँ, आपको नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पे किस टाइप में चाहिए, कितना ट्रांसपेरेंटली रहना चाहिए वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हाइड कंटेंट वाला भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो भी कोई नोटिफिकेशन आते हैं ना व्हाट्सएप में मैसेज शो कर जाते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, इतना कस्टमाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मतलब हाइड हो जाएगी वहाँ पे, आपको शो नहीं करेगी लॉक स्क्रीन पे। और यहाँ पे देखने मिलता है शॉर्टकट वाला फीचर। जी हाँ, आपके लॉक स्क्रीन पे है ना देखते हैं फोन का शॉर्टकट होता है और कैमरा का शॉर्टकट होता है, इसकी जगह आप दूसरा कोई ऐप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इस फोन के अंदर कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होने वाली। फीचर की बात किया तो इस फोन के अंदर मल्टी विंडो वाला फीचर भी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रिसेंट अपने काफी सारे एप्लीकेशन ओपन करके इसको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे इस करता तो ये देखते हैं छोटी सी विंडो में ओपन हो चुका है। इसके साइज को छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से करेंगे यहाँ से आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, और यहाँ से आपको इसको कैंसिल करना है तो ये आप क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की है तो वो आपको मिलेगा सेटिंग में, सेटिंग की ओर जाएंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, एडवांस फीचर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा साइड की वाला फीचर। मान लीजिए आपको डबल प्रेस करने पे साइड की पे यहाँ पे क्या चीज ओपन होनी चाहिए, ऐप ओपन, जो भी ऐप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, कैमरा लॉन्च ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेट होती है तो वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलता है मोशन एंड गेस्चर वाला फीचर। जी हाँ, इन फीचर को आप ऑन कर देंगे, जैसे कि ये देखते हैं डबल टैप टू ऑन ऑफ वाला फीचर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पर डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पे ऑफ हो जाती है, और यहीं पे मैं अगर बिना बटन के इसको ऑन करना चाहता हूं तो ऑन भी हो सकते हैं। दोनों फीचर को आपको एनेबल करना पड़ेगा, फिर आपके फीचर फोन के अंदर ये फीचर वर्क करता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो आपको देखने को मिलता है वन हैंड मोड वाला फीचर। इसको आप ऑन कर देंगे, मान लीजिए इसको मैं नीचे की ओर स्वाइप करता हूं, हो जाए भाई, तो यहाँ पे देखते हैं वन हैंडेड मोड हो चुका है, मतलब एक हाथ से अपने फोन को यूज कर सकते हैं छोटी सी स्क्रीन के अंदर, तो जो भी आपको रखना है इसके अंदर रख सकते हैं।
नेक्स्ट फीचर की बात की है तो वो भी मिलेगा आपकी मोबाइल की सेटिंग में। जैसे ही मोबाइल की सेटिंग में जाता हूँ, एडवांस फीचर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे नीचे की ओर ड्यूल मैसेंजर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए आपके फोन में दो व्हाट्सएप है, दो फेसबुक है, और भी काफी सारी एप्लीकेशन है जिन्हें ड्यूल ऐप यूज कर सकते हैं, मतलब दो चीज यूज करना चाहते हैं, तो एक फोन के अंदर दो फेसबुक, दो व्हाट्सएप, जो करना यूज वो आप आसानी से इस फोन के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग का फीचर आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, आपका सारा डाटा रखता है, कितने फोन आपने यूज किया, किस ऐप से कितनी नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो चीज आप यहां से चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फीचर की बात की है तो वो भी मिलेगा आपको मोबाइल की सेटिंग में। जैसे मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहां पे मिलेगा एजबिलिटी का ऑप्शन, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे काफी सारे एप्लीकेशन आप ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एडवांस सेटिंग में आपको जाना है, एजबिलिटी बटन के अंदर आपको जाना है, और मान लीजिए इसको मैं कर देता हूं यहां पे कोई भी एप्लीकेशन यहां पे सिलेक्ट, जैसे कि एप्लीकेशन है जो भी सेटिंग ऐड करना चाहता हूं कर सकता हूं, तो यहां पे देखते हैं इस प्रकार से ऐड होने लग जाएगी। मतलब काफी सारे यहां पे चीज आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूजफुल फीचर है यहां से आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहां से रिमूव करता हूं भाई इन सभी चीजों को, ताकि अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं एज बिल्ट टू मेनू वाला फीचर। और काफी सारे इसमें कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, साइज कितना बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहां पे देखने को मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन वाला फीचर। जी हां, इसको ऑन कर देंगे तो यहां पे आपको देखते हैं कैमरा का फ्लैश नोटिफिकेशन ब्लिंक करेगा, स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाती है, मतलब आपकी स्क्रीन वगैरह यहां पे ब्लिंक करने लगेगी जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी। तो जो भी आप रखना सकते रखते हैं, और किस कलर के अंदर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं, जो भी आपको रखना रख सकते हैं, और प्रीव्यू भी आप चेक वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फीचर की बात किया तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हम किस प्रकार से एक्टिवेट करें, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है AOA। जी हाँ, प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसको डाउनलोड करके आपको ओपन कर लेनी अपने फोन के अंदर। तो फिलहाल के लिए जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने फोन के अंदर, और इसमें काफी सारे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टिकर वगैरह जो भी आपको लगाना है, जो भी आपको स्टिकर लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं। या वॉच टाइम आपको किस स्टाइल में चाहिए वो आप अपने फ़ोन के अंदर जिस स्टाइल में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, इस प्रकार से रख के जो भी आपको सेट करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं जो भी पीछे का आपको डिज़ाइन चाहिए वो भी आप रख सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आप रख सकते हैं, और डेट स्टाइल जो भी आप चेंज करेंगे तो कर सकते हैं। तो उसके बाद अपने फ़ोन के अंदर जैसे परमिशन देके इसको अप्लाई कर देंगे तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अभी हम एज लाइटिंग एंड यहाँ पर बात करें लाइटिंग इफेक्ट को भी इनेबल करते हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिलहाल के लिए उसके लिए आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए फ़ोन को अनलॉक करता हूँ और उसके बाद आपको शो करता हूं। नेक्स्ट फीचर की बात की है तो हम बात करते हैं यहाँ पे एज लाइटिंग के फीचर को किस प्रकार से इनेबल करें। यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी एज लाइटिंग वाली, प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, ये वाली आइकन है, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके यहाँ पे आप इसके ओपन कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको लगाना है नीचे को स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आप देखते हैं जो भी लाइटिंग इफेक्ट लगाना है, ये वाला लगाना है, ये वाला लगाना है। फिलहाल के लिए हमारे पास ये फोन नोच वाला नहीं है, ये वाला वाटर ड्रॉप नोच वाला है, तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ मैं दिखाता हूं तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और काफी और आखिरी फीचर की बात किया तो इस फोन के अंदर वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे एक साथ प्रेस कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थ्री फिंगर से नहीं ले सकते लेकिन बटन के थ्रू ले सकते थे। यही देखने को मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी A33 के आपको कुछ टिप्स एंड टिप्स हिडन फीचर। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टैग करें उनको। जय हिंद, वंदे मातरम।